हेलो दोस्तों, आपको जिस रिक्रूटमेंट का इंतजार था वो दोस्तों जारी हो चुकी है। तो राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकल चुका है। क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्या इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से अभी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए इस दिए गए लाल रंग के बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मोबाइल पर मिलती रहेगी। और पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं राजस्थान कांस्टेबल की ऑफिशियल साइट पर, आपको संपूर्ण अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो 6/11/2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। संपूर्ण अपडेट आपको भी बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो जो इसमें नए नए बदलाव है संपूर्ण आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो आप देख सकते हो आज की अपडेट है, जैसे कि मैंने आप दिखा दिया है, ऑफिशियल ऑफ टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से अपडेट यहाँ पर सेंड की गई है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एज की। तो एज यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 18 साल से लेकर 23 साल है, और साथ में यहाँ पर जो आपको छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर एस सी एस टी के लिए 5 साल की दे रखी है, 10 साल के लिए जो एस सी एस टी शहर या क्षेत्र उनके लिए, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग आप देख लीजिएगा। एक बार जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है या फिर ऑफिशियली डाउनलोड कर लीजिए। जो भी मेन अपडेट है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर फिजिकल की बात की गई तो यही 168 सेमी यहाँ पर पिछले रिक्रूटमेंट वाला सेम रखा गया है। वुमन और मेंस के लिए अलग रखा गया है, जो कि यार पिछले रिक्रूटमेंट की तरह ही यहाँ पर रखा गया है, जो कि यहाँ पर इस बार जो यही सेम 10th क्लास का रखा गया है, जो आप पास आउट हो, और आरएसी के लिए 8th क्लास पास आउट रखा गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फीस के बारे में, जो आपकी फीस लगने वाली है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 400 है, ओबीसी के लिए जिनके 2,50,000 से कम या 2.5 लाख से कम है उनके लिए 350 है, और अदर कैटेगरी एस सी एस टी के लिए 350 है, ओबीसी के लिए भी 400 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ कि जो आपके यहाँ पर सिलेबस इस बार है, इसमें एक परिवर्तन किया गया है। नंबर आपके 75 ही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या बदलाव किया गया है। पिछली बार 120 क्वेश्चन थे और इस बार 150 क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए गए हैं, जिसमें आपको रीजनिंग और लॉजिकल और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में से आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स के। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं 22.5 मार्क्स के। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, कल्चर एंड आर्ट्स ऑफ राजस्थान के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं 22.5 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 75 मार्क्स के। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, लेकिन आपका समय वही 2 घंटे इस बार रखा गया, जो कि पिछले बार भी यहाँ पर देखने मिला था। लेकिन एक छूट आपको यहाँ पर ये मिल गई है, पिछली बार जो ये सभी पार्ट के लिए फिक्स मार्क्स किए गए थे, इस बार यहाँ पर कुछ फिक्स प्रतिशत नहीं है, आपके यहाँ पर टोटल एग्रीगेट पे ही मेरिट बनी जाएगी। यहाँ पर पिछली बार बी पार्ट का जो 40% वगैरह सब यहाँ पर रखा गया, वो इस बार कुछ नहीं है। टोटल एग्रीगेट यहाँ पर जो आपके ओबीसी वगैरह जो भी है, ओबीसी और जनरल के लिए 40% है, और एससी और एसटी के लिए 36% यहाँ पर रखा गया है। बी पार्ट वगैरह यहाँ पर कुछ अलग से इस बार नियम यहाँ पर नहीं रखा गया है। बाकी बात कर लेते हैं पीटी की, तो यहाँ पर दौड़ है वो 5 किलोमीटर है, टाइम 25 मिनट दिया गया है। आगे भी आपको यहाँ पर जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी, संपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से देती जाएगी। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर गर्ल्स की बात करें तो इनके लिए भी 5 किलोमीटर है और 35 मिनट का टाइम इनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपडेट दे देता हूँ जो कि अदर ड्राइवर वगैरह है इनके लिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर मार्क्स निर्धारित किए गए, जो कि 15 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेन बदलाव दो ही है, एक सिलेबस का बदलाव है और एक ये जो कि फिक्स आपको पार्ट इस बार रखे गए थे मार्क्स, वो यहाँ पर इस बार रेशियो यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर अंत कर देते हैं। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय।